फहुआ खैरुल लकुम, और अगर तुम चुपके से खामोशी से इस हाथ से दो और इस हाथ को पता ना लगे, इस तरह से दो कि जो जरूरतमंद है उसके पास पहुंच जाए और किसी को पता ना चले, वहीं तो फूहा व तुम तू हल फुकरा फहुआ, बोलो आगे फहुआ खैरुल लकुम। अगर तुम इस तरह से खामोशी से देते हो, पहुंचा देते हो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अल्लाह कह रहा है ज्यादा अच्छा है। वयुकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, ये तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। मेरे दोस्तों, कयामत के दिन अगर हम गुनाहों से पाक हैं तो कहां जाएंगे, बोलो कहां जाएंगे? और अगर गुनाह हमारे साथ मौजूद है, हम गुनाहों से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लदे हुए हैं, तो क्या होगा? पिटाई होगी। अल्लाह कहता है तुम दुनिया में ऐसा करो, वहीं तो फूहा व तू हल फुकारा फहुआ खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाह मिटते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, और तुम बिल्कुल पाक और साफ होकर इस दुनिया से अल्लाह के सामने पहुंचोगे। खामोशी से दो। मेरे दोस्तों, कुरान में मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक खजूर, समझ गए, खजूर कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, फरमाते हैं अगर एक खजूर तुम सत्ते में दे दो, सच्चे दिल से, खामोशी से अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उस खजूर की हिफाजत करता है, उसे रखता है, और रखने के बाद बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। ये जो तुम्हें चारों तरफ पहाड़ नजर आते हैं, जब इस सड़क पे चलते हो तो इधर भी पहाड़ नजर आता है, इधर भी पहाड़ नजर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन पहाड़ों के बराबर सवाब कर देगा उस खजूर का। समझ गए? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह कैसे? तो आका फरमाते हैं, कुरान में है, वयाखुज़ु सदकात, अल्लाह ताला जब हम सदका देते हैं, जब हम पैसा देते हैं, जब हम अपने अनाज में से कुछ देते हैं, जब हम अपनी कमाई में से कुछ देते हैं, तो अल्लाह ताला सीधे हाथ से उसको कबूल करता है। कैसे कबूल करता है? सीधे हाथ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नहीं कर, सीधे हाथ से कबूल करता है। और फिर आगे फरमाता है कुरान में अल्लाह, वयुर्बिस सदकात, सिर्फ कबूल नहीं करता बल्कि उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। सहाबा ने पूछा, कैसे बढ़ाता है या रसूल अल्लाह? फरमाया कि तुम्हारा ऊंट बच्चा देता है, तुम्हारी गाय बच्चा देती है, तुम्हारी भैंस बच्चा देती है, और तुम उस बच्चे को पालते हो, पालते हो, दूध पिलाते हो, अच्छी तरह से रखते हो, आहिस्ता 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 इतना बड़ा हो जाता है, इतना भारी हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह इतना खुश होता है तुम्हारे सदके से, उसकी हिफाजत करता है, हिफाजत करके उसे बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, और बढ़ाते बढ़ाते पहाड़ के बराबर कर देता है। मेरे दोस्तों, बात आ रही है समझ में?